हाँ, तो पढ़ेंगे अपन लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब लॉ ऑफ एडिशन एक्चुअल में पढ़ना तो ये है, लॉ ऑफ एडिशन इसमें दो चीजें होती है। लॉ ऑफ एडिशन में दो तरह से लॉ ऑफ एडिशन किया जाता है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और सबसे ज्यादा यूज होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल है ये, इसी का सबसे ज्यादा यूज हम करेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन तो बस ऐसे ही है कि एक बार पढ़ेंगे, बाकी दोबारा इसको हम बहुत रेयर कभी यूज करेंगे। क्या है पहला वाला पोर्शन पे अगर हम बात करें, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जब समझाने वाली बात होगी तो हम समझाएंगे, जब तक लिखने वाली बात है तब तक लिख रहे हैं। देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में, अब जब पहले देखो एक चीज कि जैसे आप लोग क्लास 11th में जब आप वेक्टर शुरू किए होंगे, या फोर्स शुरू किए होंगे, या डिस्प्लेसमेंट से शुरू की शुरुआत हुई होगी, जब काइनेमेटिक्स शुरू हुई होगी, तो डिस्प्लेसमेंट में यही बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई यहां से यहां और यहां से यहां गया तो फाइनल डिस्टेंस कितना हुआ वो हम इनिशियल से फाइनल जोड़ देते हैं। वही काम यहां भी है कि मान लो कि एक वेक्टर ये है, आपने लिखा एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर बी ये है, एक वेक्टर भी ये है, तो हम फाइनली हम कहां से कहां पहुंचे, यहां से जगह यहां और यहां से यहां, तो फाइनल कहां से कहां पहुंचे, क्या यहां से यहां फाइनल पहुंचे क्या हम? अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए दे दूं, इस पॉइंट का नाम बी दे दूं, इस पॉइंट का नाम सी दे दूं, तो मैं पहले ए से बी गया, बी से सी गया, मतलब मैं पहले ए बी प्लस बी सी, बात समझ में आ रही है? ए बी यानी पहले ए बी वेक्टर में फिर बी सी वेक्टर को जोड़ा, तो कहां पहुंचा हमने? ए सी पे, यानी क्या पहुंचे क्या हमने, हमारा क्या आंसर आया? ए सी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात और, हम कल बताया थे आपको कि अगर कोई एक वेक्टर इधर की तरफ है और ये वेक्टर को मैं थोड़ी देर के लिए ए लिखता हूं, तो सेम लंबाई और इसका डायरेक्शन सेम हो, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाए, लंबाई सेम हो और पैरेलल हो, तो क्या इस वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? क्या इसको माइनस ए बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? तो ये वेक्टर आपका वहां से माइनस ए हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको एसी को उधर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा? ये ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा जरा देखो, इस माइनस ए सी को क्या मैं प्लस सी ए लिख सकता हूं? क्या ए बी प्लस बी सी प्लस, क्या मैं इसका अगर मैं, आप अभी देखो ए सी का मतलब है कि ए से सी के तरफ जा रहे थे और सी ए का मतलब है कि अब सी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो क्या ए सी की वैल्यू माइनस सी ए के बराबर हो जाएगी क्या? और माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो गया। यानी ये आपका आया ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए हो गया जीरो। और यहां पे दो ही बात सीखने लायक है अभी तक, एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये। इसमें क्या सीखने लायक है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ए से बी पे गए ए बी कहलाया, बी से सी पे गए क्या कहलाया? ये बी सी कहलाया, फिर वापस सी से ए पे गए तो सी ए कहलाया। और हमने टोटल कितना चला डायरेक्शन वाइज, ए से शुरू किए जाते जाते घूम के कहां पहुंचे? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा? जीरो। मतलब हमने टोटल डिस्टेंस तो कुछ कवर किया होगा, लेकिन डायरेक्शनल वाइज हम देखें तो हम पहले जहां थे वहीं, फाइनल भी वही है और इनिशियल भी वही है, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में? जीरो। वही बात आई भी है क्या? ये एक बात पता चली, यानी ये पहला नंबर का बात पता चला आपको, ये दूसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ, मैं कह रहा हूं इफ ए बी सी आर साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल, देन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इन तीनों वेक्टर का सम हो जाएगा जीरो। आप देखो तो यही हो रहा है क्या कि अगर ये ए है बी है सी है, अगर इस वेक्टर को मैं ए लिखूं, इस वेक्टर को मैं बी लिखूं, इस वेक्टर को मैं सी लिखूं, तो क्या ए बी का मतलब ए वेक्टर, बी सी का मतलब बी वेक्टर, सी ए का मतलब सी वेक्टर, क्या इन तीनों का सम जीरो हो जाएगा? यानी कभी चौथे नंबर पे अगर कभी ये दे दे कि चेक करो, या कभी ये दे दे कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आप इसका क्या मतलब समझो, इसकी मीनिंग क्या होगी? तो मीनिंग हो जाएगा कि ए बी सी फॉर्म अ ट्राइंगल, फॉर्म अ ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है? अब इसमें भी एक डाउट की बात आती है। क्या डाउट होता है सर? पांचवें नंबर पे देखो कि कई बार
कई बार सेम तरह से वो सवाल पढ़ने वाले पे ऊपर डिपेंड है या लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि क्या सवाल दे रहा है। सवाल लिखने वाला कई बार लिख देता है कि ए बी सी आर वर्टिक्स ऑफ या ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स इन प्लेन। एक प्लेन में तीन पॉइंट्स है, अगर तीन पॉइंट्स है तो उस केस में ये पॉइंट्स ट्रायंगल बना भी सकते हैं, अरे बात समझ में, या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में भी हो सकते हैं कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इस केस में a प्लस बी प्लस सी ए हो जाए या इस केस में a प्लस बी प्लस सी ए हो जाए। अगर ऐसा होता है तो देखो, अगर चाहे ये हो या ये हो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये ए बी और बी सी, मतलब आपको पिछले दिनों मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात बताई थी। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, याद है, अगर जहां से शुरू हुआ वहीं से दूसरा वाला शुरू हो रहा है। देखो ये सब में एक ही बात चलता है, ये ए बी सी, अगर मैंने कहा कि ए से बी पे गया फिर बी से सी, कोलिनियर वेक्टर, याद है, कोलिनियर वेक्टर, ए से बी, बी से सी पे गया तो फाइनली मैं ए से कितना डिस्टेंस कवर किया, सी। क्या अभी भी यही वाली बात लिखी गई है क्या? और ट्राइंगल के लिए भी यहां पर देखो यही बात है क्या? अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर उल्टा दिया हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं तो उस केस में इनका सम जीरो होगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये ट्रायंगल बना रहे हैं, तो हम श्योर नहीं है, यानी इस केस में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो रहा है तो नॉट श्योर अबाउट ट्रायंगल। ये एक लाइन में हो सकते हैं या एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी साइड होंगे यानी लंबाइयां होंगी, वेक्टर होगा, उस केस में इनका सम क्या होगा? अगर जीरो होगा तो हमेशा क्या बनाएगा? ट्रायंगल। याद रहेगा ये बात कि अगर तीन पॉइंट गिवेन हो और तीन पॉइंट का सम जीरो हो रहा है तो एक ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल बनाएगा, बात समझ में आ रही है, जरूरी नहीं है उस केस में कि वो ट्रायंगल बनाएगा। लेकिन तीन साइड की लंबाई दे रखा हो और तब आपका उसकी वैल्यू जीरो हो रहा हो, यानी उनका सम जीरो हो रहा है, तो पक्के तौर पे क्या बनाएगा? ट्रायंगल बनाएगा, बात समझ में आ रही है। ये बात आपको जब भी सवाल, मतलब सवाल में ऐसा लिख देगा कि वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू टू आई प्लस थ्री जे माइनस थ्री के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस थ्री आई प्लस माइनस फोर जे प्लस फोर के, अगर ऐसा है तो ये बताना है कि वेक्टर, ये तीनों वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो अगर ये पूछ रहा है तो हम तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ के चेक करो, क्या इन तीनों को जोड़ने पे अगर जीरो आएगा तो हम कहेंगे ट्रायंगल बनाएगा, जीरो नहीं आएगा तो बोलेंगे ट्रायंगल नहीं बनाएगा। आ रही बात समझ में ना? जरा जोड़ के देखो तो वन और टू थ्री और माइनस थ्री जीरो हो गया, फिर वन प्लस थ्री फोर माइनस फोर जीरो हो गया, फिर माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर प्लस फोर जीरो हो गया। मतलब ये क्या तीनों साइड ऑफ ट्रायंगल है क्या? बोलो है कि नहीं है? आर साइड ऑफ ट्रायंगल, बात समझ में आया। तो ये चीजें हैं आपका ट्रायंगल ऑफ लॉस से, मतलब लॉ ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, ये तीन बातें बेसिकली आप सीखते हो कि अगर, अच्छा एक और बात इसमें सीखते हो, एक और सीखने वाली बात है यहां पे, देखो यही वाली बात, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, आपने लिखा है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना, ऐसी लिखा है। अब जरा देखो, अगर ये दो बीच वाला सेम होता है ना, तो आप देखो ध्यान से, ये दोनों गायब होकर पहला और आखिरी लिख दे रहे हैं क्या? लिख रहे हैं कि नहीं? अगर दोनों, ये दोनों सेम है तो पहला और आखिरी लिख दिए, बीच वाला गायब कर दिए। मतलब अगर हमारे पास कभी एम एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर है, हम गायब करके क्या लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हैं? एम पी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर मान लो कभी एक्स वाई प्लस वाई जेड वेक्टर है तो क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स जेड वेक्टर। बात समझ में आया? तो ये इस तरह की चीजें, यानी आपने दो बातें ट्रायंगल ऑफ लॉस से जो बेसिकली आप सीखते हो कि बीच वाला गायब हो जाता है, दूसरा तीन साइड का सम जीरो हो तो क्या बनाता है हमेशा? ट्रायंगल। बात पकड़ में आ रही है? तो ठीक है, अब नोट करना है क्या? फटाफट नोट करो। तो मैं एक सवाल लेता हूं, अच्छा सवाल से पहले एक छोटा सा और आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर मान लो कि मैंने बताया था ये बात कि अगर ये ए है, अगर ये बी है और ये अगर सी है, ये अगर एक ही लाइन में है तो ए बी बराबर, मैं चाहूं तो लेमडा टाइम बी सी लिख सकता हूं अगर कोलिनियर है तो।
ए बी सी, ये ध्यान रखना कभी भी, तीन पॉइंट अगर ए बी सी आर कोलिनियर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बराबर चाहे लेमडा बी सी लिखे, या हम ए बी बराबर हम लिख सकते हैं लेमडा टाइम ए सी, ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? या एक और बात थी कि अगर ए बी एक वेक्टर आपके पास है और ये पैरेलल टू बी सी है या पैरेलल टू किसी अन्य वेक्टर सी डी है, मतलब ये आपका ए बी और ये आपका कोई वेक्टर सी और डी, अगर ऐसा पैरेलल है तो भी हम लिख सकते हैं ए बी बराबर लेमडा टाइम सी डी। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो ऐसी दो चीजें अपन लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं मान लो सवाल आपके सामने दे रहा हूं, सवाल मैं दे रहा हूं कि ए पॉइंट्स, पॉइंट्स ये अपने सीट में पहले एकदम पहले स्टार्टिंग में ही सवाल है वेक्टर की सीट में, ए पॉइंट वन कामा ए कामा बी, ए कामा टू कामा बी, ए कामा बी कामा थ्री आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, देन फाइंड, ये कभी आईआईटी में पूछा था, देन फाइंड ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। अगर मैं मान लो थोड़ी देर कि ए पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों पॉइंट क्या एक ही लाइन में है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट्स कैसे हैं एक ही लाइन में है, और हम कह सकते हैं कि ये ए बी है ये बी सी है, ए का पॉइंट दे रखा है वन कामा ए कामा बी, और ये दे रखा है ए कामा टू कामा बी, और ये दे रखा है ए कामा बी कामा थ्री, ये बात दे रखा है। अच्छा, अब मैं कहूं कि अगर ये कोलिनियर है तो ए बी बराबर लेमडा टाइम बी सी में लिख सकता हूं। बोलो बच्चों लिख सकता हूं कि नहीं ऐसा? अच्छा बताओ ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अगर पॉइंट पता हो तो उस केस में आपका, मैंने बताया था कि ये आपकी चीज है ये और ये है आपका बी, ये आपका जा रहा है ऐसे, तो ए बी वेक्टर का मतलब है टर्मिनल। ये टर्मिनल था क्या, ये टर्मिनल और ये क्या था इनिशियल, यही था। तो ए बी का मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, इनिशियल मतलब ए, क्योंकि इसमें पॉइंट दे रखा है इसलिए मुझे पोजीशन वेक्टर के टर्म में लेके चलना पड़ रहा है। इस वेक्टर नहीं दे रखा है, वेक्टर जब देता तो मुझे सीधे इस पूरे इसकी वैल्यू यहां से यहां तक की देता, लेकिन पॉइंट दे रखा है आपका तो पॉइंट के लिए मैं इसमें से ये घटाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ए बी तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, बी का पोजीशन वेक्टर बताओ कितना है, क्या सबको ए आई प्लस टू जे, देखो स्टार्टिंग है तो हो सकता है आपको कुछ कुछ नोटेशंस नया लगे, क्योंकि ये ऐसे लिखना और ऐसे लिखना दोनों एक ही बात है। बात समझ आ रही है? चाहे ऐसे पॉइंट हो, जैसे मान लो कभी लिखा हो कि वन कामा टू और वेक्टर बोला हो तो ये आई प्लस टू जे हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, और के वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, जीरो के। अरे बात समझ में, तो ये आपका हो गया। फिर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ए का पोजिशन वेक्टर मतलब यहां पे वन यानी आई प्लस ए जे प्लस बी के, ये आया। फिर यहां पे लेमडा टाइम, डायरेक्ट मैं घटा के लिख दो क्या, अब ये डायरेक्ट सी में से बी घटाना मतलब इसमें से डायरेक्ट घटा के लिख दो। बताओ ए में से ए घटाएंगे कितना आएगा, बी में से टू घटाएंगे कितना आएगा, बोलो b माइनस टू जे आएगा। थ्री में से b घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे घट के a में से वन निकलेगा, क्या है a माइनस वन आई कैप हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा। फिर टू में से a निकलेगा प्लस टू माइनस ए जे कैप, फिर प्लस ये b माइनस बी जीरो के कैप, सही है। यहां पे लेमडा टाइम जीरो आई प्लस बी माइनस टू जे प्लस थ्री माइनस बी के कैप, ये आपका आ गया। इसके बाद हम करते हैं कंपेयर, जब भी ये सवाल आ जाते हैं तो उसके बाद अपन लोग करते हैं कंपेयर। आई का आई से कंपेयर करो, क्या ए माइनस वन इक्वल टू जीरो सीधे है क्या, देखो तो ए माइनस वन इक्वल टू जीरो है क्या। अच्छा, बीच वाला क्या आएगा, टू माइनस ए इक्वल टू लेमडा टाइम बी माइनस टू आएगा क्या, देखो तो बीच वाला यहां टू माइनस है और यहां पर बी माइनस टू, सही है। तीसरा वाला क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू थ्री माइनस बी इंटू लेमडा, यही आएगा क्या यहां पे तीसरे वाला के साथ, क्या ये जाके जीरो कर दिया, बी बराबर तीन आ गया क्या यहां से। अच्छा, यहां से बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया, क्या पूछा है सवाल में, ए प्लस बी, क्या डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा क्या, बोलो तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हुई,
वन प्लस थ्री इक्वल टू, अरे देखो वन वहां पे प्लस थ्री इक्वल टू फोर। बोले बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? क्या इधर से नोट करना है क्या इधर वाला पार्ट? अरे कर लो नोट कर लो। हम लोग सवाल लिखो, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम एंड ऑल्सो फाइंड magnitude of difference, यानी difference का magnitude find करना है। जरा सवाल को एक बार दो बार पढ़ो तब जाके समझ में आएगा। कह रहा है कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर का सम लेने से वापस एक यूनिट वेक्टर आया है, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मॉडुलस वन होता हो। तो कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर का सम लेने से तीसरा वेक्टर भी यूनिट वेक्टर आया है, तो बताना है कि उन दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, यानी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, पहली बात। दूसरी बात आपको यह बताना है कि उन दो वेक्टर से उनके डिफरेंस का सम क्या होगा। अरे बात समझ में, उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो जरा देखो यहां पे सिंपली देखो, जैसे मान लो कह रहा है कि एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, अगर ये एक यूनिट वेक्टर है और एक ये यूनिट वेक्टर है, अगर एक ये यूनिट वेक्टर है और एक ये यूनिट वेक्टर है, ये और ये दो यूनिट वेक्टर है, इनके यूनिट वेक्टर का मतलब मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा बताओ, अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर है मतलब इनकी लंबाई आपका, इनकी लंबाई वन है और इनकी लंबाई भी वन है। अच्छा बोलो, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया तो इनका सम यही हो जाएगा क्या? ये वाला बोलो सम होगा कि नहीं होगा? क्या यही वाला ये कह रहा है कि इनका सम ये वेक्टर होगा, और सामने वाला बोला है कि इनका सम भी क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया क्या? मतलब इनका सम भी यूनिट वेक्टर हो गया क्या? ऐसे हुआ नहीं हुआ? जरा देखो तो ट्रायंगल के तीनों साइड की लंबाई कितनी कितना है? तीन है कि वन वन है? वन 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 है। तीनों साइड की लंबाई कितनी है? वन 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 है। तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया? कैसा हो गया? इक्विलेटरल। तो इनके बीच का एंगल कितना? अरे हो गया कि नहीं हो गया? अरे एक तो आप गधों की तरह ये लगे पड़े हो कि फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़ लिया, फिजिक्स में कि अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी कॉस थीटा, वहां से सॉल्व करके निकाल लो कॉस थीटा की वैल्यू, यानी 1/2 तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एक तो वो निकाल लो, दूसरा आपने डायरेक्ट ज्योमेट्री से सॉल्व कर लिया। अच्छा एक और बात है, हमसे पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच का एंगल चाहिए, किसके किसके बीच का? ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। मैंने बताया था कि एंगल का मतलब होता है दोनों वेक्टर आउटवर्ड होने जाने चाहिए, मतलब दोनों बाहर निकलने चाहिए। बोलो बोला था ऐसा बात? अगर यहां देखो तो एक ए के इस वाले पॉइंट पे घुस रहा है और एक बाहर निकल रहा है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर निकल रहा है, तो ये वाला एंगल 60 जरूर होगा, लेकिन इनके बीच का एक्चुअल एंगल ये होगा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट करूंगा तो बाहर जाएगा, तो एक्चुअल एंगल ये होगा, और ये कितना हो जाएगा एंगल? 120 डिग्री। मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देखो मैं पीछे का रिवाइज करके भी चल रहा हूं आप लोगों के लिए ही, कि 120 डिग्री हो जाएगा। जब भी हमें एंगल निकालना होता है तो दो वेक्टर के बीच में अगर दोनों बाहर की तरफ निकल रहे हैं किसी पॉइंट से, तो उनके बीच का एंगल थीटा होता है, एंगल कहलाता है। यहां पे देखो तो एक अंदर जा रहा है और एक इस पॉइंट से बाहर जा रहा है, तो इस वाले वेक्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा, पैरेलली आगे बढ़ा दूंगा, तो अब ये वाला वेक्टर जो यहां से बाहर निकलने लगेगा, ऐसे होते ना तो धारा मतलब करंट जब बाहर निकलती है, इधर से जा रही है तो फिर ऐसे निकल सकती है ना, ऐसे जैसे समझो कि इधर जाते जाते इधर निकल गई ये धारा, यानी करंट इधर निकल गई, तो करंट निकलने का मतलब ये कि ये वाला वेक्टर इधर बढ़ गया, तो अब ये यहां से ये भी बाहर जा रहा है ये भी बाहर जा रहा है, तो इसके बीच का एंगल 120 डिग्री, और यही एंगल कहलाएगा। आई बात समझ में? सवाल में पूछा था इनके बीच का एंगल, आंसर क्या हुआ? एंगल 120 डिग्री। और भी सवाल ने पूछा है कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस चाहिए, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस इसका मतलब हुआ मॉड ए माइनस बी। देखो तो अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करके देखो तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हुआ ऐसा। देखो हमको तो ऐसी ही आती है, हम तो शुद्ध खाटी, हम उस स्कूल से पढ़े हैं जहां के डेस्क बेंच भी हिंदी में बात करते थे,
तो समझ लो कि हम कैसे बात कैसे हम कैसे अपना कैसे अंग्रेजी कन्वर्ट करते रहे होंगे। तो देखो अब अपने पास ये चीज आ गई है कि ये अपने पास है a प्लस बी वेक्टर है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और हमसे कह रहा है कि अब हमको चाहिए मॉड a माइनस बी, मतलब b का a प्लस बी में अगर मैं बोलूं तो a प्लस बी में b को माइनस कर दिया गया, क्या किया गया माइनस। अब b को माइनस करने का मतलब इसका डायरेक्शन इधर था तो इसका डायरेक्शन क्या कर दिया, नीचे कर दिया क्या। अगर डायरेक्शन नीचे कर दूं मैं तो ये वाला डायरेक्शन क्या बी नीचे हो जाएगा और अभी भी मॉड वैसे रहेगा, इसकी वैल्यू ये माइनस बी हो जाएगा, लेकिन क्या अभी भी इसकी लंबाई मॉड बी की वैल्यू अभी भी वन ही रहेगी क्या, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही मैं नीचे किया हूं क्या, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब ये देखो ये इधर गया तो फाइनली यहां से हम यहां पहुंच गए क्या, फाइनली हम यहां से यहां पहुंच गए क्या, ऐसे बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो क्या ये वाला अब ये वाले इस वाले देखो यहां से हाँ यहां से बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या ये a माइनस बी कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अच्छा जरा सोचो ये लंबाई कितनी है, ये वाली यहां से यहां तक लंबाई कितनी, अच्छा यहां से यहां तक की लंबाई कितनी, ये भी कितनी लंबाई है, ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल कितना कितना है, अरे ऊपर ये वाला एंगल भी तो 60 है, अच्छा ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल और ये दोनों लंबाई बराबर है तो 120 का आधा आधा 30 30 हो जाएगा क्या, ये पूरा एंगल कितना कितना 90 डिग्री, कौन सा ट्रायंगल हो गया, अरे बोलो ये वाला ट्रायंगल क्या बन गया है, अब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, जिसमें ये वाली साइड की लंबाई 2, इस साइड की लंबाई कितना, इस वाले साइड की लंबाई यानी मॉड a माइनस बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 4 का 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आंसर आ गया। अगर मैंने सिर्फ किसका यूज किया, थोड़ा सा लॉ ऑफ ट्रायंगल का और बाकी ज्योमेट्री का, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें। अगला सवाल ले लेते हैं एक और, देखो इफ p इज क्या हुआ जी, इफ p इज ऑर्थो सेंटर एंड G इज सेंट्रोइड एंड G इज सेंट्रोइड एंड O इज ओरिजिन एंड सर्कम सेंटर, O इज सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर कभी पढ़ा है ये सब चीजें, कभी पढ़ा है, कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है, वो था ऐसे ऐसे कुछ था, कुछ तो था, मतलब सर था तो क्या था ये पता नहीं चल रहा है। वो इज सर्कम सेंटर एंड आल्सो ओ इज ओरिजिन एंड इफ पी इक्वल टू के जी फाइंड वैल्यू ऑफ के। देखो मैं तुम लोगों की हेल्प करता हूं पूरा, मैंने कहा था तीन चीजें आएंगी तो फटाफट आपको एक बात याद करनी पड़ेगी। देखो जहां मैं पढ़ाया वो तो मुझे पता है कि मैंने बोला था, जहां नहीं पढ़ाया वहां भी ये बात बोली गई होगी, ये भी बात मुझे मालूम है। जहां पे ऑर्थो सेंटर आएगा, सेंट्रोइड आएगा और सर्कम सेंटर आएगा। ऑर्थो सेंटर को हम लोग वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोलते थे एच, ऑर्थो सेंटर को बोलो बोलते थे, और सेंट्रोइड को बोलते थे क्या अपन लोग, और सर्कम सेंटर को तब भी क्या बोलते थे, ओ बोलते थे। और मैंने कहा था जहां पे एच जी ओ आएगा तो क्या बोलोगे, एक एप आया था बीच में, आया था क्या, अरे एच जी ओ क्या हो गया, इसको तुम लोग हिंदी में पढ़ लो और इसको अंग्रेजी में पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। तो देखो जब ऐसे हुआ, नहीं समझ में आया, तो जब ऐसे होगा तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, याद है किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में। इसको बोला है कि ये ओरिजिन है, इसको बोला है कि ये जी है, ये ओ है, ये जी है, और इसको बोला है कि ये पी है, और यहां से यहां तक ये ओरिजिन मतलब 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट पोजिशन वेक्टर जी दे रखा है, इसका पोजिशन वेक्टर पी दे रखा है, ये 2:1 है, यानी इसकी लंबाई जी है तो इस पी की लंबाई पी जी का कितना गुना है, 2 times है, आ रही बात समझ में। तो O से P कितना दूरी हो जाएगी, क्या 3 times G का हो जाएगा, क्या रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब P की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 times G हो जाएगा क्या, K की वैल्यू कितना आ गया, बोलो K की वैल्यू कितनी आ गई, अरे बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना,
ठीक है, देखो क्या क्या कि हमने कि भाई ये ओरिजिन दे रखा है, यहां से जी की वैल्यू 1 है और इसका 2 गुना पी है, तो पी जो है ओ से जी के कितने टाइम हो जाएगा, तो एक तो ये है और 2 गुना यहाँ पे, टोटल मिलेगा कितना 3 गुना। तो वही तो पूछा है यहाँ पे कि पी जी का के टाइम्स है, तो वो कितना गुना है, कितना गुना है, ये 3 गुना है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत आपको? ये खत्म कर लो, फिर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम क्या चीज? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और ये सबसे आसान होता है, पर कुछ बातें बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें भी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। जैसे और आपका यहाँ पे, जैसे मैं आपके सामने रखूं कि एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर अगर आपके सामने ए है और ये वेक्टर आपके सामने बी है, ठीक है, तो यहां से हम चाहें तो पैरेललोग्राम एक बना सकते हैं इसी के पैरेलल। मैंने कल पिछले दिनों फ्री वेक्टर और आपका लोकलाइज्ड वेक्टर बताया था, तो अगर वेक्टर फ्री है तो इस वाले वेक्टर को बिना इसकी लंबाई और बिना इसके डायरेक्शन चेंज किए मैंने इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं। ये वाला वेक्टर को मैं कहूं कि एक इसी के पैरेलल ही बनाया और इसी के पैरेलल ही यहां पे बनाया, तो ऐसे ये बन गया, देखो देखो बन गया एक पैरेललोग्राम। ये वेक्टर भी फिर से बी ही कहलाएगा और ये वेक्टर फिर से ए कहलाएगा। तो जो आपका ए प्लस बी होता है, अगर दोनों वेक्टर, देखो पहली बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ए एंड बी दोनों आउटवर्ड एक पॉइंट से हैं, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड होता तो लॉ ऑफ ट्रायंगल लग जाता वहां पे, अरे बात समझ में। लेकिन एक दोनों आउटवर्ड हैं, आउटवर्ड बोथ ए एंड बी आर आउटवर्ड दोनों बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो जो ए प्लस बी होगा देन सेकेंड पॉइंट देन ए प्लस बी, यानी इन दोनों का सम ए प्लस बी इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो जाएगा बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच वाला वेक्टर का डायगोनल हो जाएगा ये वाला डायगोनल हो जाएगा, जो ये डायगोनल हो जाएगा वो आपका ए प्लस बी हो जाएगा। अरे बात समझ में। तब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये तो यानी आपका ये इन दोनों का एडिशन का मतलब ये हो गया, यानी लॉ ऑफ एडिशन ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर आपके सामने जब भी दिए होंगे तो हम इनका ए प्लस बी का मतलब एक पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे और इसका जो इनके बीच का डायगोनल हो जाएगा वही आपको दे देगा इनका समेशन, यानी सम दे देगा, एडिशन दे देगा। पर सर दूसरा वाला डायगोनल क्या देगा, कुछ तो देगा दूसरा वाला डायगोनल। तो देखो दूसरा डायगोनल को मैं कहूं कि ये वाला डायगोनल अगर है, ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ी देर के लिए मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा। देखो यहां पे इस चीज को अगर मैं लेके चलूं, दूसरे चौक का यूज करता हूं मैं, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लेके चलूं, देखो इस वाले ट्रायंगल को, तो देखो इस वाले ट्रायंगल में लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज करें तो अगर ये वाला इधर नीचे की तरफ होता तो ये माइनस बी वेक्टर होता, होता है नहीं होता। देखो ये यहां से यहां आया और यहां से यहां गया, तो फाइनली इसका एरो यहां पे क्या ऐसे वाला एरो लगेगा, क्या लगेगा कि नहीं लगेगा, और इन दोनों का सम मतलब ये आपका माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं, मतलब जो दूसरा वाला डायगोनल होगा वो आपका ए माइनस बी हो जाएगा। तो उसको मैं अलग बना के दिखा दे रहा हूं कि ये आपका जो बनेगा यहां कहीं कि ये आपका ये ऐसे है ये ऐसे है, हमने यहां पे इसको बनाया ये यूं बनाया, ये तो आपका बन गया ए प्लस बी हो गया, लेकिन जो ये वाला है ये आपका वेक्टर ये है ये वेक्टर बी है, जो ये वाला इसका डायरेक्शन भी ध्यान रखना है कि डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे आता है, दिख रहा है ऐसे डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा था, बी से ए, और ये क्या बन गया डायगोनल ए माइनस बी। अरे बात समझ में, मतलब एक डायगोनल आपका ए प्लस बी, दूसरा डायगोनल ए माइनस बी। इस चीज को दूसरे तरीके से भी दिखाई जाती है कि आपका ये ए है ये बी है, ठीक है ना, ये ए है ये बी है, इस वाले बी को उल्टा कर दिया, इस वाले बी को नीचे की तरफ कर दिया माइनस बी कर दिया, तो ये वाला इधर चला जाएगा डायरेक्शन। अब यहां से अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे ऐसे ये पैरेललोग्राम, तो जो ये वाला डायगोनल होगा ये वाला डायगोनल इन दोनों का सम हो जाएगा। सोचो लॉ पैरेललोग्राम से कि ये भी बाहर निकल रहा है ये भी बाहर निकल रहा है, तो इन दोनों के बीच से जाने वाला ये वाला डायगोनल हो जाएगा। और यहां से जो हमने पैरेललोग्राम बनाया हुआ है क्या ये दोनों पैरेलल ही हो रहे हैं क्या, देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल हो रहे हैं, तो इसलिए इस वाले को, अच्छा इसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ है, देखो इसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ ए माइनस बी। दूसरे तरीके से किताबों में जनरली इसी तरीके से दिया रहता है, प्रूफ रहता है कि दूसरा डायगोनल ए माइनस बी है। तो ये लॉ ऑफ एडिशन की बात है कि ये उस केस में आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कि इन दोनों का सम, दोनों अगर बाहर की तरफ जा रहे होंगे तो ए प्लस बी इनके बीच से निकलने वाला डायगोनल देगा और दूसरा वाला डायगोनल हो जाएगा ए माइनस बी, याद रहेगा ये बात, ठीक है। आगे आते हैं,
ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मान लो कि मैं ऐसे कहूं, अब थोड़ी देर पे सेक्शन फार्मूले पे सीधे चलते हैं। सेक्शन फार्मूला, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, याद है वो? कि वो भूल गए हो जी? सेक्शन फार्मूला याद है कि वो भी भूल गए हो? वो भी भूल गए हो, याद है पक्का? देखो क्या है कि देखो यहां पे देखो दो तरह का सेक्शन फार्मूला हुआ करता था, याद है? इतना तो याद ही होगा। क्या होता था? एक इंटरनल डिवीजन, सब याद है ना, और एक एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का चक्कर ये है, इस बार वहां भी एक पॉइंट हुआ करता था, एक ये पॉइंट, एक वो पॉइंट। ये अगर ए है, अगर बी है, यहां पे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम ए लिख रहे हैं और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी लिख रहे हैं। एक सी कोई पॉइंट है यहां पे, जो इनको सी पॉइंट, इनको ये आके इंटरनली डिवाइड कर दिया एम इज टू एन रेशियो में, तो फटाफट हम कहेंगे कि सी का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर, आप देखो पॉइंट का जब भी पोजीशन, जब भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका होता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आप सी, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, आप याद करो ये दूर वाले के साथ जाता है, ये दूर वाले के साथ जाता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन नीचे में कितना, एम प्लस एन। ये आपका सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन का। अगर इफ सी इज मिड पॉइंट होता, मिड पॉइंट होता, तो उस केस में एम बराबर एन हो जाता, तो ये नीचे में एम प्लस एन टू एम हो जाता और ऊपर में एम काम हो गए, एम से कट जाता, ए बी प्लस ए बाई टू हो जाता, हो जाता ऐसा। तो उस केस में मिड पॉइंट का फार्मूला हो जाता है सीधे सीधे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई टू। आई बात समझ में? अच्छा, एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन आपका हो जाएगा जैसे यहां पे ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और यहां पे ये कोई सी पॉइंट यहां से आकर एक्सटर्नली डिवाइड किया, या तो उधर डिवाइड किया या इधर डिवाइड किया, दोनों इसके पास चॉइस है, चाहे उधर करेगा चाहे इधर करेगा। और यहां से लेकर यहां तक एम है और यहां से यहां तक लेके एन है। आई बात समझ में? इसका पोजीशन वेक्टर अगर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर अगर बी है, तो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सी अभी भी वही हम कहेंगे, सिर्फ माइनस लगा देंगे कि ये दूर, ये एम, ये वाला अपने दूर के पास जाएगा, यानी एम वाला बी के पास जाएगा, जाएगा, और एन वाला अपने से दूर इसके पास आएगा, और इसकी वैल्यू फिर लेकिन बीच में माइनस लग जाएगी, एन ए अपॉन नीचे में एम माइनस एन। बात समझ में आया? तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला हो गया। बात समझ में आ रही है? एक और चीज है, एक और इसी में बात में नोट करके लिखा देता हूं, नोट करके, कि अगर इफ रेशियो, रेशियो इज नॉट गिवेन, अगर रेशियो नहीं दिया गया है, देन टेक टेक रेशियो एज लेमडा इज टू वन। याद है ऐसा? वहां मैंने बताया था कि लेमडा इज टू वन रेशियो ले लेंगे, अगर नहीं दिया हो तो। अगर रेशियो नहीं दिया और रेशियो पूछ रहा हो, तो आप एम इज टू ए लेने की वजह क्या ले लेंगे? लेमडा इज टू वन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट कर लो फटाफट। तो सवाल, अगले सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो छोटा सा, मैं बहुत छोटा सा सवाल से स्टार्ट करता हूं कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट Which divides, मतलब ये बस आपको प्रैक्टिस के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई सवाल में पूछ रहे, ऐसा तुरम खा जैसी कोई चीज नहीं है। Which divide vector A and vector B in 3:1 ratio, where A is equal to I minus 2j and vector B is equal to I plus j minus k, ठीक है? तो बस प्रैक्टिस के लिए तो फटाफट कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या आप लोग भी बनाओ फटाफट, साथ साथ हम भी थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए दे रखा है, यहाँ पे वेक्टर बी दे रखा है, यहाँ पे कोई वेक्टर सी है जो यहां से यहां तक का ए से 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो वेक्टर सी का पोजिशन वेक्टर हो जाएगा 3 वेक्टर बी प्लस 1 वेक्टर 1 इंटू वेक्टर ए अपॉन, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 1 आपका, ये हो गया 3 का मतलब 3, बी के जगह पे आपके पास है आई प्लस जे माइनस के, और माइनस,
आपके ए के पास है आई माइनस टू जे बाई थ्री प्लस वन। चूंकि ये सवाल बहुत आसान है इसलिए आपके लिए उतना टाइम नहीं दिया मैंने। तीन और एक घटेगा तो ये टू आई हो जाएगा, प्लस तीन प्लस टू आपका फाइव जे हो जाएगा, माइनस थ्री के हो जाएगा, अपॉन फोर हो जाएगा, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा इसमें कि ये आंसर आया फाइनली, जरा इसमें से ये बताओ कि इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, जो पढ़े हो बता दें कम से कम, इसका सी का डायरेक्शन रेशियो कितना है, डी आर कितना है सी का बताओ, डी आर कितना है सी का, क्या टू बाई फोर है, क्या टू बाई फोर का मा फाइव बाई फोर का मा माइनस थ्री बाई फोर है ये क्या? इसको और अन्य तरीकों में लिख सकता हूं, नीचे वाला फोर गायब कर सकता हूं, डी आर के लिए टू फाइव माइनस थ्री लिख सकता हूं क्या ऐसा? लेकिन अगर डीसी पूछा जाएगा यानी डायरेक्शन कोसाइन, तो हमें इसके क्या करना पड़ेगा, इसके यूनिट वेक्टर से यानी इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, इसके मॉडुलस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा क्या? मतलब ये 2 बाई फोर आई कैप प्लस 5 बाई फोर जे कैप प्लस माइनस 3 बाई फोर के कैप में डिवाइड करना पड़ेगा अंडर रूट में 2 बाई फोर का स्क्वायर प्लस 5 बाई फोर का स्क्वायर माइनस 3 बाई फोर का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया? यहां से पूरा ये तो चार चार ये पूरा कट के बाहर हो जाएगा, कट के बाहर हो गया। डायरेक्शन कोसाइन जब लिखेंगे तो ये 2 बाई फोर 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 फोर, नीचे वाला फोर कट गया है, ऊपर में चार और 25 और 9 कितना हो गया, 9 चार 13 25 38 38 यानी 2 बाई रूट 38 और यहाँ पे प्लस 5 बाई रूट 38 और ये माइनस 3 बाई रूट 38, ये डायरेक्शन को साइन होगा। अरे बात समझ में, डायरेक्शन को साइन में मैं फर्दर इसको हटा नहीं सकता हूं, बात समझ में आ रहा कि नहीं? देखो भले मैं डायरेक्शन रेशियो में नीचे वाले चीज को हटा सकता हूं लेकिन डायरेक्शन कोसाइन में नहीं हटा सकते। मैंने लिखाया था कि डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है जबकि डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, बात लिखाया हो कि नहीं? कि डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक बट डायरेक्शन रेशियो में भी इनफाइनाइट, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज थी, अब मैं हटाता हूं इसको फटाफट। हाँ ये इंटरनली या एक्सटर्नली नहीं पूछा था, बोल देता हूं इंटरनली, सही बात है यार, ऐसा है ना कि मतलब दिमाग फिक्स हो जाता है ना कि जो नहीं दिया है तो इंटरनली पे दिमाग फिक्स हो जाता है, पर ऐसा सच नहीं है, रेशियो ये सच नहीं है, इंटरनली और या एक्सटर्नली देना चाहिए। कहां पे देख लेना, तब हो सकता है कभी प्लस रहा हो, छूट गया हो। अब आते हैं एक और सवाल, लिखो ये तो आपको फटाफट करनी है। सवाल ये है कि इफ If prove that points joining opposite side of quadrilateral with diagonal with mid point of opposite side of quadrilateral with diagonal किसी भी, ही नहीं बोला है कि क्या quadrilateral है, किसी भी तरह quadrilateral में mid point of diagonal form a parallelogram, एक पैरेललोग्राम बनाएगा, ठीक है? तो इससे पहले हमको यह जानना चाहिए कि पैरेललोग्राम की आकृतियों में क्या विशेषता होती है, खास चीज क्या होती है, पैरेललोग्राम क्यों उनको हम बोलते हैं कि पैरेललोग्राम है, और जितने सारे पैरेललोग्राम होते हैं उनमें क्या खास बात होती है, यह पहले हमको जानना जरूरी है। एक चीज देखो, मैंने कोऑर्डिनेट में बताया था आप लोगों की पैरेललोग्राम की खास बात यह होती है कि उनके मिड पॉइंट हमेशा क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। जैसे देखो आप एक पैरेललोग्राम ये ले लो, ये पैरेललोग्राम आपने लिया तो आप जानते हो कि डायगोनल के मिड पॉइंट क्या करेंगे क्या इनका डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे क्या एक दूसरे को, मतलब इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट यहीं पे पड़ेगा। अगर मैं रोम्बस ले लिया तो इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैंने ले लिया आपको एक रेक्टेंगल ले लिया तो इसको भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं क्या? अगर मैं एक स्क्वायर ले लिया तो भी उसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं क्या? मतलब अगर कोई भी आकृति, कोई भी क्वाड्रिलेटरल डायगोनल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो जाए, इसका ये मतलब है कि उसके डायगोनल के मिड पॉइंट कोइंसाइड कर जाए,
अरे बस यही तो कॉन्सेप्ट है इसका, कि अगर डायगोनल के मिड पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये हम पक्का कहेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। अब फर्दर वो रेक्टेंगल है, रोम्बस है, या आपका स्क्वायर है, या सिर्फ पैरेललोग्राम है, वो क्या है वो तो उसके बाद की बातें डिसाइड करेगा। तो यहां भी सवाल अगर हमारे पास दे रखा है, यानी हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम का मेन कॉन्सेप्ट आपका बस एक ही है कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ डायगोनल कोइंसाइड। जैसे देखो यहां पे कहा कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, मैंने कोई सा क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, ले लिया ऐसा। अगर मैंने कोई सा क्वाड्रिलेटरल ले लिया तो इनका पोजीशन वेक्टर मैं कुछ लिखूंगा, यहां पे ए लिखूंगा, यहां पे बी लिखूंगा, यहां पे सी लिखूंगा, यहां पे डी लिखूंगा, कोई दिक्कत यहां तक सही है। अच्छा बताओ कुछ कर रहा है कि अपोजिट साइड, मतलब या तो ये वाली अपोजिट साइड लूंगा या तो ये कोई भी एक पेयर, यानी और भी अगर मैं ठीक से लिख लू तो अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी मैं एक पेयर ले लू तो काम चल जाएगा। जैसे मान लो मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसका डायगोनल लिया और मैंने इसका डायगोनल लिया, इस डायगोनल का, इस डायगोनल का मिड, इस डायगोनल का मिड पॉइंट, इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट जो है कि यहां यहां पड़ेगा। अरे बात समझ में। अच्छा बताओ इस डायगोनल के मिड पॉइंट को क्या लिखेंगे हम, क्या ए प्लस सी के बाई टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और ये डायगोनल का मिड पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी प्लस डी बाई टू, ठीक है ना। अच्छा हमको इन चारों को मिलाना है, बड़ा हमको अच्छा नहीं दिख रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, कैसे हम मिलाए इन चारों को, हम किसी और को ले लें क्या, इन चारों को हमें मिलाना है, मतलब हमें इन चारों को मिलाना है तो ये तो ऐसे मिलेगा कि हमें मजा ही नहीं आएगा। मतलब क्या हम बोले कि मैं मान लेता हूं कि डायगोनल का मिड पॉइंट यहां कहीं है, मतलब मिलाने में थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे। देखो ऐसे मैंने मिला दिया ऐसे, ठीक है ना, भले आकृति सही नहीं है पर ऐसे मिला दिया, सही है ना। वैसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि पैरेललोग्राम है। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ए प्लस बी बाई, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सी प्लस डी बाई टू, बोलो यही होगा। अब हमको ये दिखाना है कि जो ये मिड पॉइंट, ये जो आया हुआ है पी क्यू आर एस, ये जो है पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्या यही बात दिखाना है क्या आपने को। अब इसको दिखाने के लिए क्या इसका डायगोनल जो ये एस क्यू है और जो पी आर है, क्या एक दूसरे का मिड पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब ये होने के लिए आपका, देयरफॉर दिखाने के लिए मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ, क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, बोलो सही है, इतना समझ में आई बात। अब जरा बताओ मिड पॉइंट ऑफ पी आर कितना है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर कितना है, इसका मिड पॉइंट क्या, ए प्लस बी बाई टू सी प्लस डी बाई टू, यानी ए प्लस बी बाई टू प्लस सी प्लस डी बाई टू बाई टू, यही हो जाएगा क्या, आ रही बात समझ में। फाइनली कितना हुआ क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई कितना हो गया, फोर, यही हो गया क्या। अच्छा जरा बताओ मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू कितना होगा, क्या एस क्यू के लिए ये ऊर्जा देखो तो यहाँ पे क्या ए प्लस सी बाई टू प्लस बी प्लस डी बाई टू अपॉन टू, ये हो जाएगा क्या, क्या आया ये भी सेम आया क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू, बोलो टू बाई फोर, क्या आया कि नहीं, मतलब क्या ये अगर कोइंसाइड कर गए तो ये क्या क्वाड्रिलेटरल के कोई भी एक अपोजिट पेयर, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी अपोजिट साइड और डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमेशा क्या बनाएगा वो, पैरेललोग्राम। भले दिख नहीं रहा था यहां पे लेने से, दिख नहीं रहा था मतलब सब एक ही लाइन में पढ़ने लगे थे ना, पर एक्चुअल में हमेशा ये पैरेललोग्राम बनाएगा। पर थ्योरेटिकली प्रूफ हो गया कि नहीं, बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल अपन लोग सवाल करेंगे सेक्शन फार्मूले पे और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे सवाल करेंगे, बाकी सब आगे का क्वेश्चन कल बाद।